अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। किसान विरोधी बिल के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। आज दिनांक 8/12/2020 को समय करीब 12 बजे कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक रिसिया प्रवक्ता आजम खान व ब्लॉक अध्यक्ष सिराज खान, ब्लॉक अध्यक्ष रिजवान खान व तमाम कांग्रेसियों द्वारा किसान आंदोलन के समक्ष सहयोग में धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से मांग की वो किसान विरोधी बिल को वापस लें। लड्डन खान के साथ सिराजुद्दीन खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम खान नाम है हमारा। किस पद पे आप मनोनीत हैं? मैं ब्लॉक प्रवक्ता हूँ, ब्लॉक रिसिया का। जी मैं 8 नवंबर भारत बंद का जो दिशा निर्देशन किया गया है नरेंद्र मोदी किसानों द्वारा, मैं इसका भरपूर समर्थन करता हूँ। और जो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो जागृत करना चाहता हूँ कि कांग्रेस शासन काल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो किसान इतना परेशान हुआ था। इस शासन काल में सिर्फ उद्योगपतियों की चलती है और किसानों की कुछ नहीं चलती। तो किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसानों का मैं पूरा समर्थन करता हूँ। मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ और मरते दम तक खड़ा रहूँगा। और जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो सिर्फ उद्योगपतियों का साथ देती है, हमारे किसान मजदूर गरीब भाइयों का साथ नहीं देती है। मैं उनके खिलाफ ये कहना चाहता हूँ कि वह अन्याय अत्याचार बंद करे, नहीं तो अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे वो रावण का हो या नरेंद्र मोदी सरकार का हो। जनता के हाथ में जन समर्थन है, ये लोकतंत्र का है, प्रजातंत्र नहीं है। तो मोदी साहब अब ये किसानों पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो आने वाले चुनाव में आपकी जमानत जब्त हो सकती है। किसानों की हित में जो फैसले लो, किसान गरीब मजदूर भाई बहनों के हित में फैसले लो। और यही कहना चाहूँगा मैं मोहम्मद आजम खान, सारे गरीब आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है और आपकी कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। ये जो बिल पास हुआ है इससे बनिया मड़वारियों उद्योगपतियों लखपतियों का फायदा है, बाकी किसी का फायदा नहीं है। इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि आम आदमी सोचो, आप हवा हवाई मत करो, जो फैसले लो सही फैसले लो जिससे आम आदमी को का भला हो और जिससे समाज और हिंदुस्तान एक नए तरक्की और उत्साह के साथ तरक्की पर जाए।